फ्रेंड्स, आज के समय में सही टाइम पे पैसा होना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो अपने डिजायर को पूरा करना हो या तो अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना हो, हर किसी के लिए अपने ड्रीम को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। और सही समय पे पैसे का जुगाड़ ना हो पाना आपके सारे ड्रीम को बर्बाद कर सकता है। तो रिसेंटली अभी एक टॉपिक गोल्ड लोन काफी ज्यादा चर्चे में है। आप कोई भी लोन की बात करते होंगे, आपको कोई भी लोन होगा जिसके रिगार्डिंग मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं। लोन के रिगार्डिंग मेरे चैनल पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, चाहे वह पीएमजीपी लोन हो या तो मुद्रा लोन हो या तो जनरल लोन हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड लोन के बारे में। रिसेंटली अगर आप देखते होंगे कि इस टाइप के लीफलेट्स लोग आपको पकड़ा कर चले जाते होंगे, लेकिन इसका मतलब आपको नहीं पता होगा कि गोल्ड लोन का मतलब क्या होता है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा और बैंक को गोल्ड लोन देने से क्या बेनिफिट मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड लोन के बारे में टोटल क्राइटेरिया बताऊंगा कि क्या गोल्ड लोन होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और से ग्रामीण क्षेत्र के लिए गोल्ड लोन एक बून माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग चाहे तो गोल्ड लोन लेकर के अपनी बिजनेस को एक नया मोड़ दे सकते हैं। रूरल एरियाज में कैपिटल की कमी होती है और रूरल एरियाज में सोना हर किसी के घर में कुछ ना कुछ होता ही है, क्योंकि शादी के टाइम में डील फाइनल गोल्ड से ही होती है। वैसे पर्सन जिनके पास गोल्ड है उसकी प्योरिटी के अकॉर्डिंग आपको बैंक लोन प्रोवाइड करवाती है। जैसे अगर आपके पास 24 कैरेट गोल्ड सोना है तो आपको 90-95% लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितनी आपकी सोना की करंट मार्केट वैल्यू होगी, यानी जितना भी गोल्ड का मार्केट वैल्यू होगा उसका 95% आपको लोन में दे दिया जाएगा। आप कोई भी काम कर सकते हैं और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वह 12-15 मंथ की होगी। और अगर आपके पास 22 कैरेट गोल्ड सोना है तो आपको 75% लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 18% से कम, अगर उसकी 18 कैरेट से कम होगी तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मिनिमम जो प्योरिटी है वो 18 कैरेट होनी चाहिए, मैक्सिमम 22 कैरेट होनी चाहिए। कोई भी गोल्ड 24 कैरेट का नहीं होता, क्योंकि 24 कैरेट में अगर कोई भी गोल्ड बनाया जाएगा, गोल्ड के कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाए जाएंगे तो वह एज यूजुअल जैसा है वैसा नहीं रहेगा, वह टूट जाएगा। तो सिंपल वर्ड में ये कहा जा सकता है कि गोल्ड लोन उन पर्सन के लिए है जिनके पास गोल्ड हो। अब हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि आखिर गोल्ड लोन लेकर ही हम काम क्यों करेंगे, अगर हमारे पास गोल्ड होगा तो हम उसे मार्केट में बेच करके भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास गोल्ड होगा, अगर उसे हम मार्केट में किसी सोनार के पास रखते हैं तो वह चाहे गोल्ड के साथ कुछ भी कर सकता है और आपको पता तक नहीं चलेगा। अगर हमारे पास गोल्ड है और हमें इच्छा है या हम डिजायरेबल है कि हमें लोन लेना है तो आप सिंपली बैंक के पास जाएंगे। और यह बैंक के लिए काफी रिस्क फ्री लोन होता है, क्योंकि जितनी मार्केट वैल्यू होती है उसका 85% से 95% ही आपको लोन में दिया जाएगा, और जितनी भी वैल्यू होगी गोल्ड की वह बैंक के पास एज यूजुअल पड़ी रहेगी। तो इसलिए बैंक वाले सिंपली एक आधार कार्ड और 2 फोटो एक पैन कार्ड से आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और जितना भी आपका गोल्ड होता है वह आपके सामने लॉकर में पैक किया जाता है। और आपके सामने ही जब आप गोल्ड लोन कंप्लीट करने के बाद अपनी गोल्ड जब छुड़वाने जाते हैं बैंक, तो आपके सामने ही वह जो लॉकर है वह खोला जाता है। अगर आप एक डिजायरेबल पर्सन है, आप कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या तो कोई घर बनाना चाहते हैं, अगर आप होम लोन लेने जाएंगे तो आपको कितना लंबा चौड़ा लिफाफा बताया जाएगा कि आप सोचेंगे कि भैया होम लोन से अच्छा है कि हम किसी से उधारी ले लें। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपका गोल्ड भी सुरक्षित है और आपका घर भी बन जाएगा, क्योंकि अगर आप गोल्ड लोन लेने जाएंगे बैंक में तो आपको आसानी से एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो से लोन मिल जाएंगे और आपका सोना जो है एज यूजुअल बैंक में रखा रह जाएगा। आपका घर में रखा हुआ तो घर में 100 ग्राम से 200 ग्राम तक उसका वजन नहीं बढ़ेगा, चाहे उसे आप 15 साल क्यों ना रख दे। तो क्यों ना उसे हम बैंक में रख के अपनी कुछ कैपिटल बना ले जिसके अकॉर्डिंग में हम लोग काम कर सके, और उसके बाद काम करके हम बैंक का लोन भी चुकता कर सकते हैं। और यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सोना घर में से रखने से अच्छा है क्योंकि हम लॉकर में रखें। और अगर आप लॉकर में सिर्फ रखने जाते तो सिर्फ लॉकर का खर्चा आपको उठाना एक साल के लिए महंगा पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लॉकर में रख भी दें और उससे कुछ लोन भी ले ले। और अगर आपके पास 3 लाख से कम का सोना है तो आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा, अगर 3 लाख से प्लस का है तो आप गोल्ड ओडी भी करा सकते हैं, जिसे हम लोग सीसी कहते हैं। अगर बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सीसी करवाते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास गोल्ड है तो आप सिंपली गोल्ड ओडी भी करवा सकते हैं।
लोग बात करते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट की, क्योंकि अगर आपको बैंक लोन प्रोवाइड करवाएगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारी कंपनियां दावा करती है कि हम आपसे इंटरेस्ट रेट मात्र ओनली 1% पर मंथ लेते हैं, लेकिन अगर आप जोड़ जाड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वह 26 से 27% पहुंच गया। जैसे प्राइवेट गाड़ियां फाइनेंसर से लेने पर होती है, अगर आप फाइनेंसर से कोई भी गाड़ियां लेती है तो आपको समझाया जाएगा उस समय कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वह मात्र 12% है, लेकिन वह कंपाउंडेड ईयरली होता है। तो मैं कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप गोल्ड लोन ले तो आप इन्हीं संस्थाओं से ले, जहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पर यानी इतना आपको शुरू में बता दिया गया उतना ही इंटरेस्ट लिया जाएगा, उससे 1 रुपया भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मैं किसी पर्सनल इंस्टीट्यूशन की नहीं बात कर रहा हूं, और भी बहुत सारी कंपनियां जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करवाती है, आप उनके पास लोन लेकर देखिएगा और उनका डाटा बाद में आप कैलकुलेट करिएगा अपने घर पे और उनसे जाकर फिर एक अपने हिसाब मांगिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वह लगभग 26 से 27% है। गोल्ड लोन लेना तो क्यों ना एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से लिया जाए जिसका कैलकुलेशन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वह बहुत ही आसान हो। तो मैं कुछ बैंक्स के लिए आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जिसकी जो कैलकुलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट है एकदम सिंपल है, जैसा आपको शुरू में बता दिया गया वैसा ही इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा। अगर आप उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या कुछ पैसा पहले ही डाल देते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वह रिड्यूसिंग हो जाएगा। मीन्स अगर आपके लिए 1 लाख का लोन लिया और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, लेकिन अगर आपने पैसा 20,000 पहले ही डाल दिया तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह ओनली 80,000 पर ही लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा ऐसे ऐसे बैंक को जो काफी सिंपल इंटरेस्ट रेट पर आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप ऐसे ऐसे बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक तो रिड्यूसिंग है और ऊपर से एक सिंपल इंटरेस्ट है, यानी यह कंपाउंडेड ईयरली भी नहीं है कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा। इससे आपको 3 मंथ का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, अगर आप लोन चुकता करने में सक्षम नहीं है तो आपको 3 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, उस पीरियड में आप अपने लोन को चुकता कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप उस बैंक के कंज्यूमर हो, कोई भी व्यक्ति जो 18 ईयर से लेकर 17 ईयर तक का है सिंपली बैंक में जा करके अपने KYC यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड की सहायता से गोल्ड लोन ले सकता है। और ऐसे ऐसे बैंक में ये खासियत भी है कि जो इसके लॉकर्स है वह आपके सामने ही खोले जाएंगे और आपके सामने ही बंद किए जाएंगे, तो आपकी जो गोल्ड है इसकी 100% सिक्योरिटी की गारंटी है ऐसे ऐसे बैंक में, और ऐसी सिक्योरिटी की गारंटी और कोई अदर बैंक नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर गोल्ड लोन के रिगार्डिंग आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप अपने नजदीकी ऐसे ऐसे बैंक CSP या तो आप डायरेक्टली बैंक जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज के समय में सही टाइम पे पैसा होना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो अपने डिजायर को पूरा करना हो या तो अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना हो, हर किसी के लिए अपने ड्रीम को पूरा करना बहुत ही जरूरी है, और सही समय पे पैसे का जुगाड़ ना हो पाना आपके सारे ड्रीम को बर्बाद कर सकता है। तो अगर हमारे पास साधन है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, तो क्यों ना हम मल्टीपल माइंड्स लगा के उस रिसोर्सेस का यूज करें ताकि हमारे रिसोर्सेस भी बचे रह जाएं और हमारे जो सपने हैं वह भी पूरे हो जाएं। दोस्तों, गोल्ड लोन एक ऐसा ही स्कोप है जो हमारे ड्रीम को भी कंप्लीट कर सकता है, और हमारे जो गोल्ड्स है ऑर्नामेंट्स है वो एज यूजुअल वैसे ही रखे रहेंगे जैसे कि हमारे घर में रखे होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर गोल्ड लोन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए ग्रुप में जुड़कर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।